Now kindly like and subscribe my channel. व्यूवर्स, आज हम बनाने लगे हैं पराठा रोल। इसके लिए हमें दरकार है नमक, हसबे जायका मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 लेमन जूस, 1 लीमू का रस, दही 250 ग्राम्स, एक हरी मिर्च पिसी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, फ्रेश क्रीम 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। अब मैं इस चिकन के अंदर लहसुन अदरक डाल शामिल कर दूंगी, लेमन जूस शामिल करूंगी, हरी मिर्चें शामिल करूंगी, नमक शामिल कर दूंगी, काली मिर्चें शामिल करूंगी, गरम मसाला शामिल करूंगी, फ्रेश क्रीम शामिल करूंगी और फाइनली मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 1 to 2 hours मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लें। पराठा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार है, प्लेन फ्लावर और सॉल्ट 1 टेबल स्पून। प्लेन फ्लावर मैंने 500 ग्राम लिया था और सॉल्ट 1 टेबल स्पून। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा आटा अच्छे से गूंद गया है और अब इसे मैं क्लिंग फिल्म से रैप कर दूंगी और इसे 30 मिनट्स के लिए साइड पे रख दूंगी। व्यूवर्स, अब हम चलते हैं चटनी के लिए। इसके लिए हमें चाहिए इमली 250 ग्राम, जिंजर 1 टेबल स्पून और हमें चाहिए सॉल्ट 1 टेबल स्पून और हमें चाहिए 2 से 3 कायन पेपर का पाउडर बना हुआ। इमली को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और उसकी गुठलियाँ लैदा कर ली थी। अब मैं इसमें जिंजर, नमक और कायन पेपर को ऐड कर दूंगी, साबुत लाल मिर्च को ऐड कर दूंगी और इसको उबलने के लिए चूल्हे पे थोड़ा सा पानी डाल के रख दूंगी। व्यूवर्स, अब हम पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और अपना मैरिनेटेड चिकन जो है उसको हम अच्छे से पका लेंगे। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है काइंडली इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन को क्लिक कीजिए ताकि आप मेरी पुरानी रेसिपीज़ भी देख सकें। अब मैं इस मैरिनेटेड चिकन को 15 टू 20 मिनट्स पका लूँगी अच्छे से। व्यूअर्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द आई बटन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू विल गेट माई न्यू रेसिपीज नोटिफिकेशन। अब मैं आटे को गूंद लूँगी। गूंदे हुए आटे को अब मैं पेड़ा बना के पराठे के लिए बनाऊंगी। क्योंकि हम पराठा रोल बना रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लच्छेदार पराठा नहीं बनाऊंगी, दरमियाना लच्छेदार पराठा बनाएंगे हम। दरमियाना लच्छेदार पराठा बनाने के लिए मैंने इसको पहले रोटी की तरह बेल लिया है और इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल के और खुशका डाल के को फोल्ड कर रही हूँ मैं आटे को। और अब हम इसकी कहीं सेट कर लेंगे को लंबा करके। अब देख सकते हैं हमारा पराठा का पेड़ा तैयार है। 5 मिनट छोड़ने के बाद इसे अब मैं बेल लूंगी।
देखें जी व्यूवर्स, मेरा पराठा मैंने बेल लिया, अब मैं इसको पका लूँगी। व्यूवर्स काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी से वाकिफ रहें। व्यूवर्स ये देखिए मेरा पराठा तकरीबन पकने वाला है, तो बहुत ही अच्छा गोल्डन सा रंग आ गया और मेरा पराठा तैयार है। अब मैं इस पे जो हमने चटनी बनाई थी इमली की, सबसे पहले वो लगाऊंगी और मैं साथ ही जो हमारा चिकन हम पका रहे हैं उसको कोयले का दम दूंगी। मलाई बोटी का जो चिकन है उसे हम कोयले का दम देंगे। अब मैं ये इमली की चटनी लगाऊंगी पराठे के ऊपर, उसके ऊपर हम चिकन रख देंगे मलाई बोटी जो हमने तैयार किया और बहुत अच्छा सा तैयार हुआ है। बाद व्यूवर्स इसके ऊपर हम प्याज रख देंगे। तो पराठे के नीचे हमने बटर पेपर रखा है, हम पहले पराठे को फोल्ड करेंगे फिर बटर पेपर के साथ इसको रैप कर देंगे अच्छे से। और व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा रोल तैयार है।